फिरोजाबाद के दक्षिण थाना क्षेत्र के लालू रोड पर देर रात 12 और 1 बजे के बीच एक बिस्किट पैकिंग फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी कर्मचारियों द्वारा मालिक, पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई। इससे पहले कि दमकल की गाड़ी मौके पर आती, पैकेजिंग फैक्ट्री के आसपास दो और फैक्ट्रियों में आग लग गई, जिसमें एक गत्ता की फैक्ट्री भी है। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। बताया जा रहा है कि तीनों फैक्ट्रियों में 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हो सकता है। मेरा श्री हरिचरण मिश्रा जी है नाम मेरा, मैं पूजा विलास वालों के। मिश्रा जी, हाँ जी, आग लगी हुई है। एक घंटा लगी हुई है जे, वो जो गिलास में लगी हुई है अभी तक इसके मालिक नहीं आए हैं। और हमने फ़ोन किया था, मैं नौकरी करता हूँ बल्लू बाबू जी के यहाँ पर, बल्लू बाबू जी ने फ़ोन किया, तब 1-2 दमकल आई हुई हैं, फिर भी 1 घंटा हो गया अभी तक आग कोई काबू में नहीं हुई है। और घनी बस्ती है, घर छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में आग पहुँचने वाली है, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कम से कम 10 दमकल आने चाहिए, इतनी बड़ा हादसा होने वाला। 4 फैक्ट्रियों में आग लग चुकी है, देखो 2 में तो लग चुकी है, इसके पास 2 और फैक्ट्री हैं पीछे, उनमें आग पहुंचने वाली है। लगभग कितनी देर हो गई आपको? पूरा 1 घंटा हो गया, कोई अभी तक सुनवाई नहीं है। अभी 2-1 दमकल आई हुई है, अभी तक उसका पाइप आग तक नहीं पहुंच पाया है। अब क्या करा जाए, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और घनी बस्ती है, और घर में आग लग जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा इसका? लालू नई आबादी रहनिया, कोई हादसा होगा इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी तक फैक्ट्री मालिक नहीं आया होगा ना, उसने अभी फ़ोन किया है। हमारे बल्लू बाबू हैं पूजा गिलास वाले, उनने फ़ोन किया है, मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ गेट में ही। ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।